हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंडिया मैप। यदि आपको भी अभी तक 28 के 28 राज्य नहीं रटे हुए हैं, आपकी जबान पर 28 के 28 राज्य नहीं याद हैं, नहीं पता हैं, तो फिर ये क्लास आपके ही लिए है, केवल और केवल आपके लिए, क्योंकि आपको याद नहीं है और आपको क्लास के एंड तक 28 के 28 राज्य याद हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको याद ही हो जाएंगे। बस जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे वैसे आप करते जाओ, थोड़ा से इमेजिन कर लेना। ठीक है, थोड़ा से क्या करना, इमेजिन कर लेना, तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 28 राज्य देखेंगे, साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। समुद्र के तट पर स्थित जो राज्य हैं, टोटल देखो 9 राज्य हैं, 9 के 9 राज्य देखेंगे। इस साइड देखो 4 राज्य आपको मिलेंगे और इस साइड आपको 5 राज्य मिलेंगे। ठीक है, ये सारा देख लेंगे। किस राज्य की बाउंड्री किस राज्य के साथ टच करती है, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, पूछ लेगा कि बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी किस किस राज्य के साथ टच करती है, और एक राज्य तुम्हें ऐसा दे देगा जो टच नहीं करती है, तो आपको वो बताना होगा कौन सा, मतलब कौन सा राज्य इसकी बाउंड्री टच नहीं करता। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों ने मैप को अच्छे प्रकार से पढ़ा है, समझा है और एकदम से देख लिया है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग पूरी क्लास देखते हो तो फिर दिक्कत लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि याद तो इसी में हो जाना है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ये वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप लोग ये सारा कुछ देख लोगे आपको तो रट ही जाना है सब कुछ। ठीक है, चलो मैप को थोड़ा से जूम करते हैं और फिर आते हैं अपने क्लास पे। मैप हो गया जूम, अब करते हैं आगे का काम। देखो सबसे पहले हम लोग समुद्र तटीय राज्य देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो बंगाल है, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु। कैसे याद करना है, देखो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस पे देखो मैप पे बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे नहीं याद रखना है। अच्छा, समुद्र के तट पर हैं, समुद्र के तट पर क्या होती है, बोट होती है, BOAT, ये तो होती है। समुद्र में क्या चलती है, बोट ही तो चलती है। तो बी से क्या हो गया बंगाल, ओ से क्या हो गया आपका उड़ीसा, ए से क्या हो गया आंध्र प्रदेश, टी से क्या हो गया तमिलनाडु। तो बोट से याद हो गया, बी से बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मैं जैसे इसे दोहराता जाऊँ आप भी उसे दोहराते जाओ। ठीक है, शर्माना नहीं, घर में बैठे हैं कि चिल्ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। ठीक है, कहेंगे कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, BOAT, याद हुआ। आगे चलते हैं, इस साइड के तो आपको एकदम से रट गए होंगे बोट से, अब इस साइड के देखते हैं। सबसे पहले है केरला, ठीक है, KERALA, क्या है, केरला। केरला के बाद है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आप लोग आएंगे छुटकू से गोवा के पास, गोवा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, केरला, फिर कर्नाटका, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। गुजरात के आप ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, राजस्थान। तो यहाँ से इसकी मीनिंग क्या है, KERALA, केरला। तो केरला से ये मिल जाएगा कर, नाटक से क्या मिल जाएगा, नाटक। अच्छा, कर्नाटक से क्या मिलेगा, नाटक। गोवा तो भैया गोवा ही रहेगा। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं ये। महाराष्ट्र से आप लोग मेक कर लो, गुजरात से, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लाइन देता हूँ। देखो कर्नाटक गोवा में गूंजेगा राजस्थान, कर्नाटक गोवा में गूंजेगा राजस्थान, कर्नाटक गोवा में गूंजेगा राजस्थान। कैसे, यहाँ पर कर से क्या हो जाएगा केरला, नाटक से क्या होगा नाटक, गोवा से क्या होगा गोवा, मा से क्या होगा महाराष्ट्र, और गूंजेगा से क्या मिलेगा, गूंजेगा, गूंजेगा से गुजरात, और गूंजेगा राजस्थान। तो गूंजेगा के ऊपर क्या आएगा, राजस्थान आएगा। तो गुजरात के ऊपर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
राजस्थान ऐसे करके ये देखो, राजस्थान का ये बड़ा से है हाँ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे, कर्नाटक गोवा में गूंजेगा राजस्थान, कर्नाटक गोवा में गूंजेगा राजस्थान। ठीक है, का से केरला, नाटक से कर्नाटक, गोवा से गोवा, में से महाराष्ट्र, गूंजेगा से गूंजेगा, गूंजेगा से सॉरी गुजरात, और राजस्थान तो भैया राजस्थान है। क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते। अच्छा इसको भर भी लेते हैं साथ में, क्यों इसको हम लोग भर भी लेते हैं, चलो भरते हैं साथ में। ऐसे था देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर बंगाल आएगा, बी ओ ए टी बोट आएगा ना, बी ओ ए टी, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर कर्नाटक गोवा में, कर से हो जाए केरला, नाटक से हो जाए भैया नाटक, गोवा तो अपना छुटकू सा है ही गोवा, ठीक है, और मे से हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर गूंजेगा, तो गूंजेगा से क्या हो जाएगा, गुजरात। फिर ये बड़ा सा क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, बड़ा से क्या हो जाएगा, राजस्थान। चलो आपको 10 राज्य तो कंप्लीट हो गए, यकीन करो 10 कंप्लीट हो गए, बी ओ ए टी 4, इधर के 6, 6 4 कितने कंप्लीट हो गए, 10। आगे आते हैं यहाँ, अब देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यदि मैं बात करूँ तो सबसे ऊपर ही होंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ऐसे करके। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात ध्यान देना, क्या है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख भी है और जम्मू भी है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेश को अभी रखते हैं, बाद में देखते हैं। अब इसके बाद आते हैं भैया हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे आएंगे, हिमाचल प्रदेश। अच्छा एक चीज़ और देखना, इस साइड तुम्हें क्या मिलेगा, इस साइड से यदि आप आते आओ तो आपको क्या मिलेगा, इस साइड पूरा मिलेगा बर्फ ही बर्फ मिलेगा, क्या मिलेगा, बर्फ ही बर्फ, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत क्या होते हैं, ठंडी होती है, जम्मू कश्मीर में ठंडी होती है, हिमाचल प्रदेश में भी होती है और उत्तराखंड में भी होती है। तो हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से क्या देख लो, एच से हिमाचल, पी से प्रदेश, क्या निकला, एच पी निकला। पी को आप इस साइड रख दो, एच को आप नीचे साइड रख दो, तो इस पी से आपका क्या बन जाएगा, पंजाब बन जाएगा। ये वाला पी उठा के इधर रख दो, पंजाब हो जाएगा, एच को नीचे कर दो, हरियाणा हो जाएगा। क्या कर दो, एच को नीचे कर दो, हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर जो ठंड होती है वो कहाँ पे आएगी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड देखो अलग हुआ है किससे, उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तराखंड के जस्ट नीचे क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। तो हमने क्या बताया, हिमाचल प्रदेश ऐसे लिखो, पी को इस साइड कर दो तो पंजाब मिल जाएगा, एच को इस साइड कर दो तो हरियाणा मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, हरियाणा मिल जाएगा। इसके बाद इधर ही आ जाओ, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड को याद कर लेना, उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जस्ट नीचे हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। चलो फिर से बताते हैं इसको, थोड़ा सा रेस करते हैं इसको, रेस करो फिर से देखो। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश एच हुआ, एच पी, पी इस साइड कर दो, एच इस साइड कर दो, पंजाब हरियाणा हो गया। इसके बाद इधर आ जाओ तो उत्तराखंड आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड से जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है इतनी बात, चलो और इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं और इस वाले मैप को देख लेते हैं थोड़ा से। अच्छा ये ऐसे करके जाएगा ना, तो इधर लद्दाख हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया। अच्छा ये यहाँ पर था हिमाचल प्रदेश, हमने कहा था पी को इस साइड कर दो, पी यहाँ हो जाएगा, एच को नीचे साइड कर दो, एच यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड यहाँ पर था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हो गया उत्तर प्रदेश। अब आते हैं थोड़ा से आगे और ध्यान देते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश तो हम लोग आ गए, अब उत्तर प्रदेश के भाई साहब हैं बिहार। अच्छा एक गाना आपने सुना होगा, यूपी बिहार जा झार के, ठीक है, ऐसे आपको 3600 गाना मिल जाएंगे, कितने, 3600 गाना आपके पास मिल जाएंगे, जो भोजपुरी गाना होते हैं, एक गाना आपको आप सुना ही होगा, यूपी बिहार जा झार के, ऐसे करके कुछ गाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो, यूपी बिहार क्या है, यूपी बिहार, यहाँ से देखो यूपी बिहार जा झार के। ठीक है, इस प्रकार के आपको कितने गाने मिल जाएंगे,
3600 गाने मिल जाएंगे, ठीक है? क्या मिलेंगे? गाना। तो गाना से यहाँ पर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ध्यान देना मेरे एक एक वर्ड का, ठीक है? तो यूपी, बिहार, जाझर के, ठीक है? ऐसे आपको 3600 गाना मिल जाएंगे, ठीक है? कहाँ से? भोजपुरी से, ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? यूपी के बाद क्या आएगा? बिहार आएगा। बिहार के बाद जाझर, तो झार से झारखंड। कितने गाना मिल जाएंगे आपको भैया? 3600 गाना है, बहुत सारे गाना। 3600 मतलब क्या होता है? बहुत सारे गाना, 3600 गाने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 गाना। 36 के बाद मिलेगा क्या आपको? गाना। तो गाना से क्या हो गया? तेलंगाना। याद हो गया। और जो भैया बीच में बचा वो क्या है? वो भैया है मध्य प्रदेश। तो इधर आते हैं और इसको भरने का प्रयास करते हैं। इतना तो आप अपना भर ही गया था, आगे देखते हैं। तो यूपी के बगल में हमें क्या मिला? यूपी, बिहार, जा झार के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा झारखंड, ठीक है? इस प्रकार के आपको 36 गाने मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और क्या तुम्हें मिलेंगे? गाने मिलेंगे। तो गाना से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अब देखो ये जो बीच में बचा, बीच को क्या बोलते हैं? मध्य बोलते हैं। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है? तो आपके जो इस साइड के हैं, इतने पूरे राज्य आपको कंप्लीट हो गए। अब कितने राज्य कंप्लीट हो गए पता है? टोटल 20 राज्य कंप्लीट हो गए हैं। कितने? टोटल 20 स्टेट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर है? अब बचे कितने? 8 बचे। अच्छा, एक बार क्या करते हैं, इसको हम लोग भर भी लेते हैं। क्यों? एक बार क्या करते हैं, इसको पूरा रेज करते हैं और इसको भर भी लेते हैं फिर से, ताकि आप लोग का एक बार और रिवाइज हो जाए। चलो भरते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बताया था? बोट। बी से बंगाल। क्या बताया था? बी से बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया। इसके बाद कर्नाटक, गोवा में गूंजेगा राजस्थान। कर से क्या होगा? केरला। कर से केरला। नाटक से कर्नाटक। गोवा से, गोवा तो है ही भैया, गोवा, ठीक है? और महाराष्ट्र से, मे से क्या होगा? मे से हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर गूंजेगा राजस्थान, तो गूंजेगा से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। और राजस्थान से राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद हमने बताया है कि ऊपर इधर हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख, और इस साइड हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बाद आएगा हिमाचल प्रदेश। तो एच पी यहाँ हो जाएगा। हमने कहा था पी को इस साइड लिख लेना, एच को नीचे लिख लेना। तो पी से हो जाएगा पंजाब, एच से हो जाएगा क्या? हरियाणा। एच पी के बगल में यहाँ पर क्या आएगा? देखो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो एच पी के नीचे आएगा यूके। क्या आएगा? उत्तराखंड। और यूके के जस्ट नीचे क्या आएगा? यूपी। इसके बाद हमने क्या बताया था? यूपी, बिहार में जा झार के ऐसे आपको 3600 गाने मिल जाएंगे। तो यूपी, बिहार में जा झार के, यहाँ पे झारखंड, बी से बिहार, झा से झारखंड। ऐसे हमने क्या बताया था? 3600 गाने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? छत्तीसगढ़। और क्या मिल जाएगा भैया? गाने मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गाना हो जाएगा। गाना मतलब तेलंगाना। अब ये बीच में तुम्हारा पूरा बचा, तो इस बीच को हम लोग क्या कहेंगे? मध्य बोलते हैं। तो ये हो जाएगा भैया मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया। अब आपका इधर का तो 20 के 20 राज्य कंप्लीट हो गए। अब इस साइड के बचते हैं कितने? 8 राज्य, उनको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा से इसको जूम करते हैं। तो इधर के छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन इनको याद करने में थोड़ा से दिक्कत होती है, लेकिन याद करने का प्रयास करते हैं किसी न किसी तरह से। देखो अच्छा, आप लोग ये चीज़ देखना, मैं इसको थोड़ा से और वो करता हूँ ऐसे करके, ठीक है? ये यहाँ से हम लोग आए, अब इस ओर जाएंगे। इनको 7 बहनें भी बोला जाता है। इधर आपके 7 राज्य होंगे, हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मेघालय, मेघालय के ऊपर क्या है? असम। असम के बाद है अरुणाचल, अरुणाचल के बाद है नागालैंड, नागालैंड के बाद है मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा। अच्छा, आपको ये चीज़ देख के नहीं कुछ लग रहा है, सेंस नहीं आ रहा है सिक्किम को देख के?
जैसे मान लो कि ये एक गेट है और यहाँ पर एक कोई ना कोई बैठा हुआ है, दिख रहा है ऊपर? ये मान लो इसके बाद देखो एक ही तो रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ये मान लो कोई यहाँ पर बैठा हुआ। अच्छा आपने पुराने नाटक देखे होंगे जादू वाले, तो उसमें क्या होता था, खुल जा सिम सिम, है दरवाजे खुलते हैं ना सिम सिम करके कुछ ऐसे करके। हाँ तो यहाँ से सिम सिम से याद रखना कि ये क्या है, ये है सिम सिम मतलब सिक्किम। क्या है? ये है सिक्किम। अब चलो आगे चलते हैं। अब कैसे याद रखना है कि एक बेटा होता है और एक माँ होती है, क्या है? एक बेटा होता है और एक माँ होती है। माँ उसको एक कहानी सुना रही होती है अपने आंचल में उसका सिर रखवा के, ठीक है? मतलब ऐसे वो लेटा होता है अपने माँ के आंचल में सिर रख के, क्या होता है वो लेटा होता है और वो एक कहानी सुनाती है नागमणि की, ठीक है? कि एक नाग था एक मणि थी, और वो अच्छा नाग ज़्यादातर कहाँ होते हैं, शिव के पास होते हैं, शिव भगवान, और शिव जो होते हैं जो शंकर भगवान होते हैं वो तीनों लोक को आराम से देख देख के मजे लेते रहते हैं। क्या शिव भगवान होते हैं वो तीनों लोक को देख देख के मजे लेते होते हैं, है? और जो नाग होता है नाग, और नाग के साथ हमेशा क्या होती है, नाग के साथ हमेशा होती है मड़ी, ठीक है? ऐसे करके आप लोग कुछ बना लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, एक माँ होती है, माँ का मतलब एम ए ए माँ हो गया, एम से हो गया मेघालय, ए से क्या हो गया, इस ए से क्या हो गया असम, फिर ए से क्या होगा अरुणाचल, यहाँ से क्या आएगा आंचल, ठीक है? अरुणाचल, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग क्या याद रखोगे, आंचल, ठीक है? एम मेघालय, ए से क्या होगा असम, फिर ए से अरुणाचल। अब किसकी कहानी सुनाएगा थे, नागमढ़ी की, तो नाग अरुणाचल के नीचे क्या आएगा, यहाँ आएगा नाग, नाग से क्या हो जाएगा नागालैंड, एम से क्या हो जाएगा मणिपुर, ठीक है? तो नाग मणि, हमने बताया था नाग मणि। अब नाग हमेशा कहाँ होते हैं, शंकर भगवान के पास, उनको क्या बोलते हैं, वो तीनों लोक में आराम से, तीनों लोक को आराम से जान सकते हैं, ठीक है? तो त्रि लोक से आप लोग क्या याद रख सकते हो, त्रिपुरा, और वहाँ से बैठ के क्या लिया करते हैं, मज़े लिया करते हैं। तो मिजोरम से क्या हो जाएगा, या मज़े से क्या हो जाएगा, मिजोरम। चलो मैं एक बार और इसको बताया दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं एक बार और बता दे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखना, जो शंकर भगवान होते हैं वो हमेशा चोटी पे बैठते हैं, ठीक है? चोटी पे भी तो बैठते हैं आराम से, सिंहासन से अपने हैं, तो यहाँ से ये उससे ऊपर है देखो, है ना? तो इसको शिव या सिक्किम ऐसे करके कुछ मान लेना, और इसको क्या मान लेना, माँ है ये, एम ए ए, क्या है, एम ए ए, एम से मेघालय, ए से असम, और ए से क्या हो जाएगा आंचल, अरुणाचल, ठीक है? अरुणाचल, और आंचल में रख कर सिर, उसको क्या बनाया करती थी, नागमनी की कहानियाँ। तो यहाँ से आ जाएगा नाग, नाग से मतलब क्या हो जाएगा नागालैंड, मणि मतलब होता है मणिपुर। अब नाग लोग होते हैं जो नाग वगैरह होते हैं, कहाँ होते हैं, शिव जी के पास, और जो शिव जी होते हैं वो तीनों लोग को आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर त्रि से क्या होगा, त्रि से त्रिलोक, और त्रि से त्रिपुरा। अब देख देख के वो क्या करते हैं, वो मज़े लेते रहते हैं। तो मिजोरम से क्या हो जाएगा, या मज़े से क्या हो, मज़े से क्या हो जाएगा, मज़े से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग देखोगे कि आपको 28 के 28 राज्य आसानी से याद हो गए, ठीक है? चलो मैं इसको भी भर देता हूँ, इस साइड के भी भरता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो गेट पे कौन खड़ा है, शिव भगवान खड़े हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सिक्किम, क्या हो जाएगा सिक्किम। अब यहाँ पर क्या है, एम ए ए, इस वाले एम से क्या हो गया मिजो, इस वाले एम से क्या हो गया मेघालय, इससे क्या हो गया असम, इससे आंचल अरुणाचल, ठीक है? इसके बाद अरुणाचल के बाद जैसे आप लोग यहाँ तक आओगे, इसके बाद कहानी किसकी सुन रहे थे आप लोग, नागमढ़ी की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा नाग, नाग का मतलब नागालैंड, यहाँ से हो जाएगा मढ़ी। अब नाग हमेशा किसके पास रहते हैं, शिव जी के पास, और वो क्या है, वो त्रिलोकी हैं, ठीक है? तो त्रि से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, त्रि से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, और वो त्रिलोकी हैं, और मतलब तीनों लोगों के वो मज़े लेते रहते हैं। ये त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, यहाँ से ये हो गया मज़े, मज़े से क्या बन जाएगा मिजोरम, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद हो गया होगा। अब आते हैं कि इनकी बाउंड्री कुछ देख लेते हैं, ठीक है? मैं इसको रेस करता हूँ, कुछ थोड़ा बड़ा रह गया हो तो आप लोग इसको दोबारा से ट्राई कर लेना, ठीक है?
दोबारा देख के इसको याद कर लेना। वैसे याद हो गया होगा, ठीक है, देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ही बात करूँ, ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ही बात करूँ, तो अब वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की बाउंड्री किस किस राज्य से टच करती है। तो यदि मैं उत्तर प्रदेश को दिखाऊं तो उत्तर प्रदेश ये यहाँ से इस प्रकार से कुछ, ठीक है, ध्यान देना, कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश है ऐसे। अब देख लो इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक टच करे, एक देश से भी टच कर रही, वो देश कौन सा है, नेपाल है। उत्तराखंड से भी टच कर रही है, इधर हिमाचल प्रदेश से भी टच कर रही है, हरियाणा से भी टच कर रही है, राजस्थान से टच कर रही है, फिर मध्य प्रदेश से भी टच कर रही है, इसके बाद यहाँ पर झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ से टच कर रही है, इधर झारखंड से भी टच कर रही है और बिहार से भी टच कर रही है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी किससे टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन मैं देता हूँ, पहला उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, बताओ किससे टच नहीं कर रही। तो आपका आंसर क्या आएगा सर, महाराष्ट्र से टच नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ राजस्थान से, राजस्थान की, तो राजस्थान की जो बाउंड्री है किससे किससे टच कर रही है, तो इधर आओगे पंजाब, पंजाब के बाद आओगे हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये गुजरात, और इधर आपका किससे, पाकिस्तान से, एक देश इधर से भी टच कर गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से बताना है, क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग, और कुछ देखते हैं। यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊँ अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश भी याद कर लूँ। सबसे पहले आपको लद्दाख मिलेगा, लद्दाख के बाद आपको जम्मू एंड कश्मीर बताते हैं। सबसे पहले ये वाला एरिया लद्दाख, आठ है, आठ याद कर लो ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर दो हो गए। थर्ड आपको यहाँ पर मिलेगी चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़। तीसरा है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, ये हो जाएगी चौथी। तो एक, दो, तीन और चार यहाँ से हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगा लक्षद्वीप, ये यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। लक्षद्वीप के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार होगी। तो एक छूट कौन सी, मैं एक बार और देख लेता हूँ जरा। हाँ यार देख लो, पहले हो गई लद्दाख, दूसरी हो गई जम्मू कश्मीर, तीसरी हो गई चंडीगढ़, चौथी हो गई दिल्ली। अच्छा दिल्ली मैंने नहीं बताया था ना, ठीक है, याद कर लेना। पहले हो गई लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, दिल्ली यहाँ पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली के बाद आ जाओ दादर, नगर हवेली एंड दमन दीव। इसके बाद ये हो गया, आगे चलते हैं तो आगे आपको मिलेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार से आपको आठ केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएंगे, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। तो ये बताओ आपको राज्य याद हुए, किस प्रकार से इनकी बाउंड्री लगती है ये भी याद हो गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम लोग देश को याद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे करके सारे देश याद कर लेंगे, कौन देश कहाँ पे, ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।